नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान देश की मूलभूत विधि होता है। यह राज्य के शासन तंत्र को उपबंधित करता है और सामाजिक अस्तित्व के लिए एक ठोस ढांचा प्रस्तुत करता है। किसी देश के संविधान का अपरिवर्तनशील होना उसके विकास को कुंठित करता है। प्रगतिशील समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए संविधान में समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान भाग 20 368वें अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आइए जानें। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के निमित्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके अनुसार संशोधन की तीन विधायी प्रक्रियाएं हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, या सेकंड, संसद के दो तिहाई बहुमत से, या थर्ड, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। आइए इन्हें संक्षेप में समझें। संसद के साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी, जब सदन में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक किसी विषय के पक्ष में मतदान होता है तो उसे साधारण बहुमत कहा जाता है। संविधान के कुछ उपबंधों में अमेंडमेंट संसद के सामान्य बहुमत और सामान्य विधेयक के लिए विनिहित विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी से कार्रवाई की जा सकती है। पहला, धन विधेयक, दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव, तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाना लोकसभा के द्वारा, चौथा, आर्थिक आपातकाल की घोषणा, पांचवा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, छठवा, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, सातवा, वैसे संविधान संशोधन विधेयक जिनमें राज्यों की सहमति अपेक्षित है। इसके पश्चात हम जानेंगे संसद के दो तिहाई बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी। संविधान में संशोधन की दूसरी प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया की अपेक्षा कुछ कठिन है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन हेतु विधेयक संसद के में पुनः स्थापित हो सकते हैं यदि ऐसा विधेयक प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से संविधान में संशोधन हो जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन इसी प्रक्रिया के अनुसार होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से। संविधान के उन अनुच्छेदों में संशोधन के लिए जो संघात्मक संगठन से संबद्ध है, यह प्रक्रिया अमेरिकी संविधान के संशोधन के जैसा ही है और उपर्युक्त तो दो प्रक्रियाओं से अधिक मुश्किल और जटिल है। इस प्रक्रिया के अनुसार यदि संविधान में संशोधन विधेयक संसद के सभी सदस्यों के बहुमत या संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाए तो कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पुष्टिकरण का प्रस्ताव पारित होने पर ही वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जाएगा। वे विषय एवं अनुच्छेद जिनमें संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा होगा इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54,
दूसरा संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 55 और 53, 73। तीसरा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबद्ध अनुच्छेद 162। चौथा संघीय न्यायपालिका से संबद्ध अनुच्छेद भाग 5 का अध्याय 4। पांचवा राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद भाग 6 का अध्याय 5। छठवां केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबद्ध। सातवां संघ और राज्यों के विधायी संबंधों से संबंधित अनुच्छेद भाग 11 का अध्याय 1। आठवां संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के से संबद्ध विषय और नौवां संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 368। उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान अंशतः नम्न और अंशतः अनम्न है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनम्यता और नम्यता के बीच संतुलन स्थापित करने की चेष्टा की है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।